अरे बाबा जल्दी चलो, अंधेरा हो रहा है, हमें अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना होगा। अरे बाबा चल तो रहा हूँ, अब क्या उड़ के जाऊँ? अरे तो बारिश का मौसम है, ऊपर से ये लकड़ियाँ ये इतनी भारी है कि चला नहीं जाता, और तुम कह रही हो जल्दी चलो जल्दी चलो। तुम सारा मांस भात खा खा कर आलसी हो गया है, दोपहर में ही मना किया था कि इतना मोची कड़ी नहीं खाओ, लेकिन नहीं। क्या हो गया मेरी मिष्टी, रुकी हो गई, थक गई हो क्या? नहीं नहीं, ध्यान से सुनो, आसपास कोई बच्चा रो रहा है। बच्चा? किसका बच्चा? मुझे तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आई नहीं रही। अच्छा लगता है ना तुम इस सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर कुछ कार्यक्रम करना चाहती हो। तुम शाला ठोर के ही रहेगा हमेशा, हटो हटो बोका हटो, शायद इस झाड़ी के पीछे कौन है। ए बोका, एक खाने आशो। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो, ऐसा भी क्या देख लिया तुमने, आखिर क्या है? उरी बाबा, ये लोग कौन है और यहाँ कैसे? आखिर कौन है ये लोग और इनकी ऐसी हालत किसने की? अरे ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कहीं मैं वापिस बांग्लादेश तो नहीं आ गया? शोभा उठो। अरे पता नहीं हम अभी कहाँ हैं, पर ऐसा लग रहा है कि हम अभी जहाँ भी है सुरक्षित है। विशाल कहाँ है? विशाल? अरे मुझे नहीं पता विशाल कहाँ है। यह है मीरगंज गांव है, जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर नदी के पास है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और साफ दिल के, जो कि हर किसी की मदद करना अच्छे से जानते थे। और यह है इस गांव के सरपंच शांतनु, और जो इनके साथ हैं वो है इनका गुप्तचर श्रीकांत। श्रीकांत इस गांव की हर एक खबर रखता था और वो उस खबर को सरपंच तक पहुंचाता था। यूं ही एक दिन श्रीकांत ऑफिस से अपने घर जा रहा था, तभी वो रास्ते में देखता है कि मंजू एक बच्चे को खिलाते हुए जा रही थी। ओरे बाबा कितना सुंदर है रे तू, किसी की नजर ना लगे मेरे लल्ला को। अरे मंजू, ये बच्चा किसका है जिसे तू इतने प्यार से खिला रही है? जहाँ तक मुझे याद है 10-11 माह में तो हमारे गांव में किसी का बच्चा ही नहीं हुआ, तो ये बच्चा आया कहाँ से? ओ ओ ओरे बाबा, ये बच्चा तो अरे श्रीकांत चाचा आप यहाँ पर हो, और मैं पूरे गांव में आपको ढूंढ रहा था। वो दरअसल ना मुझे आपको बताना था कि मेरे भैया भाभी आए हैं, वो भी रात को देर से, इसके कारण रात को मैं आपको बताने आ नहीं पाया और ना ही सरपंच साहब को बता पाया, इसलिए अभी मैं आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन देखिए ना क्या किस्मत पाई है, आप तो मेरे घर के सामने मुझे मिल गए, और ये जो आप प्यारा सा बच्चा देख रहे हो ना, ये मेरे भैया का है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करियो, सारी जानकारी थोड़ी देर में आके लिखवा दियो, क्योंकि आज ही कमांडर साहब के पास सारे रिकॉर्ड शाम तक जाने। क्या रिकॉर्ड आज शाम को ही जाना है? अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो रिकॉर्ड के नाम पर? अरे तुम तो जानते हो ना हर महीने रिकॉर्ड जाता है कमांडर साहब के पास कि गांव में कितने लोग हैं और कितने लोग बाहर से आए हैं और कितने लोग बाहर गए हैं, और वैसे भी अभी जो हालत है बांग्लादेश की, उसके चलते कोई आ गया हमारी सुरक्षा में बाधा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, और ये बॉर्डर के पास का गांव है,
और यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई कांड हो ही जाता है। और यहाँ जो सैनिक रहते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं और हमें उनका समर्थन करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ अभी जाकर अपने भाई को सरपंच साहब के पास ले आओ। जी ठीक है। सुधन इतना कहने के बाद मंजू को लेकर घर की ओर चल देता है, साथ ही श्रीकांत भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मंजू और सुधन मायूस होकर घर पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि शोभा सुबोध के कंधे पर सर रख कर रो रही होती है। कहाँ होगा इस वक्त मेरा बच्चा, किस हालत में होगा? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, हमारे लिए बॉर्डर पार करके भारत जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देखो क्या सजा मिल रही है हमें बॉर्डर पार आने की। अरे मेरा ये जिद सिर्फ हमारे उज्जवल भविष्य के लिए था, मैंने नहीं सोचा था कि हम विशाल को खो देंगे। अच्छा अच्छा, तो इस बच्चे का नाम विशाल है, बहुत ही सुंदर नाम है विशाल। कैसा है मेरा बेटा, ये ठीक तो है ना? क्या हुआ इसे, इसने कुछ खाया है या नहीं, ये कहाँ मिला? उरे बाबा जरा रुको रुको, एक ही सांस में 10 सवाल करो कि तो कैसे बता पाऊंगी। ये तुम्हारा बेटा विशाल बिल्कुल ठीक है, और विशाल के साथ साथ आप दोनों हमें जंगल में मिले थे बेहोशी की हालत में, जिसके बाद मैं और मेरा रोशगुल्ला यानी मेरा पति सुधन तुम तीनों को यहाँ अपना घर ले आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई, साथ ही हमारे बेटे का इतना ख्याल भी रखा। पर मुझे एक बात समझ में आई नहीं, आप लोग बांग्लादेश का बॉर्डर पार कर भारत कैसे आ गए? क्या हम भारत आ गए? अरे शोभा तुमने सुना हम भारत आ गए हैं, पर आपको कैसे पता चला कि हम बॉर्डर पार करके आए हैं? अरे बाबा तुम लोग तो भारत का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए, इसका मतलब तो ये है कि तुम लोग भारत के नहीं हो, कहीं और के हो। और तुम्हारी पत्नी के बोलने के तरीके से साफ पता चलता है कि तुम हमारे देश के नहीं हो, इसलिए तुम लोग भारत में आए हो। तो बताओ क्या सच है? ओह तुम भी का मजाक करता है। अरे अरे घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। वो तुम्हारे जेब में ना बांग्लादेश का पैसा देखा तो मुझे समझ आ गया था कि तुम लोग वहाँ से भाग कर आए हो, और वहाँ की स्थिति देखकर ये तो साफ है कि वहाँ पे कोई रहना चाहेगा नहीं, इसीलिए मैंने भी किसी को अभी तक कुछ बताया नहीं है। और घबराओ मत, हम किसी को कुछ बताएंगे भी नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन श्रीकांत चाचा का क्या करेंगे? मंजू इतना कहकर परेशान हो जाती है, साथ ही सुधन सभी बातें सुबोध और शोभा को बताता है कि गांव में आने वाले हर किसी का रिकॉर्ड सरपंच के पास जाता है, जिसके बाद वो रिकॉर्ड बॉर्डर प्रमुख कमांडर के पास जाता, और अगर कहीं शोभा और सुबोध पकड़े गए तो वो उन्हें वापस बांग्लादेश भेज सकते थे, साथ ही मंजू और सुधन को भी सजा दे सकते हैं। लेकिन सुधन के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि सुधन खुद अपने बड़े भाई के आने का जिक्र कराया था, इसलिए मजबूरन सुधन को शोभा और सुबोध को साथ सरपंच के पास ले जाना पड़ता है। आओ सुधन आओ, क्या बात है, काफी दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा यहाँ। जी सरपंच जी, वो मेरे भैया भाभी ना कोलकाता में रहते हैं, और वो वहाँ से आ रहे थे तो आते आते लेट हो गया, इसके कारण मैं किसी को बता नहीं पाया। कमांडर साहब आपने तकलीफ क्यों की, मैं बस आपके पास आने के लिए निकलने ही वाला था। अरे देश की सुरक्षा के लिए तकलीफ कैसी, चाहे आप मेरे पास आए या मैं आपके पास आऊं, एक ही बात है, बस देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मैं आपको बताने आया हूँ, सूत्रों से खबर मिली है कि कुछ बांग्लादेशी शरणार्थी बॉर्डर पार करके भारत में घुस चुके हैं, और आप जानते हैं कि ये गांव बॉर्डर से कितना पास है। श्रीकांत जी ने मुझे बताया कि आपके यहाँ किसी का आना हुआ है, क्या आप मुझे उनकी आईडी दिखाएंगे? जी हाँ जरूर, आप आईडी देखने के साथ साथ उनसे मिल भी सकते हैं, यही है वो लोग। अरे कहाँ गए?
सरपंच देखता है कि वहाँ अब कोई भी नहीं है, जिसके बाद वो अपने कुछ लोगों को आदेश देता है कि वो सुधन को ढूंढ कर पकड़ कर ले आए। कमांडर साहब, सुधन अभी यहीं पर था और उसके साथ कोई शायद उसका बड़ा भाई था जो शायद शहर से आया था। मुझे लगता है शायद वो हमारी बातें सुनके यहाँ से भाग गया है। कमांडर तुरंत ही अपने वॉकी टॉकी के जरिए अपने कैंप में मैसेज भेजता है कि पूरे गांव को सील कर दिया जाए, साथ ही आसपास के गांव में भी यह खबर पहुंचा दे कि सुधन जैसे ही किसी को मिलता है वो हमें बताए। सुधन को ढूंढने के लिए पूरे गांव में रात भर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जिसकी कुछ दिनों के बाद ही सभी पकड़े जाते हैं। सबको जेल में डाल दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। तो मिस्टर सुबोध और मिस शोभा, कैसा लग रहा है आप दोनों को इंडिया आकर? कैसी मेहमान नवाजी की जाए आप दोनों की? खैर, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप दोनों का ताल्लुकात किस गुट से है। सर, हम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके आया है। आपकी ये बात हम कैसे मान ले? और जिन लोगों ने आपका साथ दिया उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बात आप भी जानता है कि बांग्लादेश का कैसा हालात चल रहा है। मुझे जो सही लगा, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैंने वो किया। और रही बात मंजू और सुधन की, तो इन्होंने हमारी जान बचाई है। इसमें इन दोनों का कोई गलती नहीं है साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ तो देंगे, पहले ये बताओ तुम दोनों आखिर बॉर्डर पार करके आए कैसे? शोभा अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है कि तभी सुबोध भागता हुआ आता है। ए शोभा, हमें जल्दी ही बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। पर अचानक से क्या हुआ? यह सब अभी बताने का समय नहीं है, बस इतना जान लो कि हमारी जान खतरे में है, तुम जल्दी से सामान पैक कर लो। शोभा जल्दी से अपना सामान पैक करती है और विशाल को लेकर सुबोध के साथ निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि बाहर रोड पर कुछ लोग आंदोलन कर रहे होते हैं और कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। और उनसे बचते बचाते सुबोध एक ट्रेवल एजेंट के पास जाता है, जो उनको कुछ पैसों में बॉर्डर पार करवाने में मदद करता है। एजेंट नाव के जरिए शोभा और सुबोध के साथ बहुत से लोगों को नदियां पार करवाते हुए बॉर्डर तक पहुँचाता है, जिसके बाद वो एजेंट लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर बॉर्डर के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बॉर्डर पार करवा देता है, जिसके बाद सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद वह दोनों बेहोशी की हालत में मंजू और सुधन को जंगल में मिलते हैं। और सर, और जब हमारी आंख खुली तो हम दोनों मंजू और सुधन के घर में थे। सुबोध की बात जानने के बाद कमांडर उन दोनों का नाम शरणार्थी लिस्ट में लिख देता है, जिसके बाद उन्हें आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली लाया जाता है और मंजू सुधन को वापस गांव छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।